Thankfully, we are having some kind of a debate. How nice. Right, and at the moment with us, our very old friend, one of the youngest and most dynamic leaders in the country, Deepak Kedar Sab of the All India Panther Sena. Deepak Kedar Sab हमारे साथ बड़े बड़े दिनों के बाद. दीपक केदार साहब नमस्कार. 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 बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है सर. मुझे लग रहा बहुत बिजी रहे होंगे आप. बहुत चुनाव के दौर में हर जगह पर आप जा रहे थे, हर जगह पे काम कर रहे थे. आपकी रिपोर्ट आ रही थी हमारे पास कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप. थैंक यू, थैंक यू. तो दीपक केदार साहब, अभी जो महाराष्ट्र में जिस प्रकार आज की तारीख में जो महायुति काम कर रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या महायुति को जो धक्का लगा लोकसभा के चुनाव के परिणामों से, क्या उसके बाद उनके मन में कोई बदलाव आया है कि वो लोगों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए काम करें, या जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे काम कर रहे हैं? बताएं दीपक केदार साहब. नहीं, उनमें कुछ बदलाव नहीं है, लेकिन वो जिनके साथ गए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी कुछ आदतें उनको लग चुकी है. जैसे कि अच्छे दिन आएंगे 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, वैसा ही कुछ बजट उन्होंने इस बार घोषित किया है. लेकिन इस बजट में उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की है, सिर्फ जुमलेबाजी की है. तो उनको अभी लग रहा है कि जुमलेबाजी से हम जीत जाएंगे, या लोकसभा में हम हार गए तो जुमलेबाजी के माध्यम से हम यहाँ पर फिर से कमबैक करेंगे. तो इसलिए उन्होंने बहुत सारी योजना और घोषणा यहाँ पर की है. लेकिन वो सुधरे नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो दलित, आदिवासी और मुस्लिम है, इन्होंने संविधान बचाने के लिए महाराष्ट्र के महायुति को यहाँ से हटाया है. महायुति की जो हालत हुई है वो संविधान के खिलाफ उनके सांसद ने जो विधान किए थे, 400 पार आएंगे तो संविधान, तो उनके उस एजेंडा के बाद यहाँ पर दलित, मुस्लिम और आदिवासी समूह ने संविधान बचाने के लिए वोटिंग किया और महायुति को यहाँ से हटाया है. लेकिन ये सुधर नहीं जाते. उनको आज भी दलित और आदिवासियों का गुस्सा है, क्योंकि कल जो बजट पेश हुआ है उस बजट में दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए और मुस्लिमों के लिए कुछ भी दिया नहीं. यहाँ पर केवल किसान की बात की है और लाड़की बहन नाम की योजना लाई है. ये मध्य प्रदेश इधर उधर के कुछ योजनाएं कॉपी पेस्ट करते हैं. फिलहाल इनका दिमाग जो है वो खुद का चल नहीं रहा, ये कॉपी पेस्ट का काम करने चल रहे हैं. इस कॉपी पेस्ट का ये जो एजेंडा है इस लोगों के समझ में आया है, तो इससे कोई बदलाव नहीं होने वाला. इधर तो आपका कहना है कि ये 3 सिलेंडर फ्री, लाड़की बहना स्कीम, फिर अलग अलग स्कीम जो किसानों के लिए लगा है, तो आपका द्वेष यही है कि लैंडलेस लेबरर्स के लिए कुछ नहीं किया. जो लैंडलेस लेबरर्स है वो उनके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया. भले एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार जी और देवेंद्र फडणवीस जी कहे कि ये सरकार गोड़ गरीबांचा सरकार है, कष्टकऱ्यांचा सरकार है, ये किसानों का सरकार है, तो लैंडलेस लेबर आपका कहना है कि उनको ओमिट किया गया, उनके बारे में सोचा ही नहीं है. दीपक केदार जी, देखिए महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा यहाँ पर भूमिहीन रहते हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, लेकिन वो किसानों के जमीन पर खुद का पेट यहाँ पर चलता है. उन मजदूर के लिए, जो मजदूर सबसे ज्यादा दलित है, गरीब है, बहुजन है, उसके लिए कुछ भी नहीं दिया. अगर यहाँ पर किसानों के साथ कुछ होता है तो उनको बीमा है, पैकेज है, बड़ी बड़ी घोषणा है, लेकिन मजदूर के लिए क्या है? उसको तो सोसाइटी करना पड़ेगा. गरीबों के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है. दलितों के लिए घरकुल एक जो है वही स्कीम चल रही है, वो भी 1 लाख रुपए 25,000 रुपए दिए जाते हैं. आज इस देश में 1 लाख रुपए 25,000 में कोई घर यहाँ खड़ा कर सकता है क्या? उसको घरकुल योजना बोल के आप चला रहे हो. 7,000 कोटी उसके लिए यहाँ पर जाहिर किए. हमारी मांग थी कि कम से कम 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए एक घर के लिए देने चाहिए, लेकिन 1 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए देंगे और उसी में 25,000 सरपंच, वहाँ के ग्राम पंचायत सदस्य और वहाँ के सब इंजीनियर भ्रष्टाचार करेंगे और 90,000 में दलितों को बोलेंगे आप घर बांधो, तो यहाँ घर नहीं होता. तो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, यहाँ के मजदूरों के लिए इस सरकार ने कुछ भी दिया नहीं, उनके बारे में ये सोचती भी नहीं। सिर्फ वोटिंग के लिए यहाँ पर बड़ी बड़ी घोषणाएं की है। लाड़की बहन की जो योजना लाई है वो भी एक दिखावा है। असलियत ऐसी है कि इनकी लाड़की पत्नी योजना लानी चाहिए, क्योंकि उनके पत्नी को खासदार बनाना, राज्यसभा पर भेजना, तो ये ज्यादा चल रहा है। इतना ही नहीं, पूना के अंदर पोर्शे कार का जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें जो एक बहन मारी गई है वहां पर, वो किसी की लाड़की बहन ही थी ना, लेकिन उस बच्चों को बचाने के लिए, उस बिल्डर के बच्चों को बचाने के लिए पूरी गवर्नमेंट काम कर रही थी। वहां का एमएलए काम कर रहा था, वहां पर आंदोलन हुआ, लोगों ने उसके ऊपर ध्यान दिया, इसलिए इसमें केस में कुछ लोग अरेस्ट हुए। लेकिन असलियत तो ये थी कि नेता लोग उनको बचाने जा रहे थे। तो ये लाड़की बहन की बात तो क्या करते हैं? उस लड़के को तो बेल भी मिल गई सर। ये लाडली बहन को मारते हैं और बिल्डर के बच्चे का लाड़ करते हैं। यहाँ पर मुंबई में जय भीम नगर पवई में यहाँ के दलित बहनों को मारा गया, पीटा गया। वहां पर को जमीन देने के लिए लाठीचार्ज किया। हमारी लाडली बहन की ये बात करते हैं, लेकिन दलित बहनों को ये लाठियों से मारते, पीटते, उनका घर छीनते, बारिश में घर छीनते। इस राज्य में एक जीआर है कि जून और सितंबर में एक भी घर गिराना नहीं चाहिए, अतिक्रमण नहीं हटाना चाहिए, बारिश में लोग कहाँ जाएंगे, उस जीआर का कोई अमल होता ही नहीं है। और यहाँ पर सिर्फ लाडली बहन की बात की और दलितों के बहनों को रास्ते पर लाकर उनको मारा है। उसके बारे में अगर अधिवेशन में बात होती है तो वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष चिल्लाने लगते हैं कि ये क्या इशू है। तो ये दलितों को मारते हैं, आदिवासियों के बच्चे के ऊपर रेप हो रहे। कल लातूर के अंदर हॉस्टल में एक 15 साल की बच्ची को वहां पर अत्याचार हुआ है और वो वहां पर बिल्डिंग से उसको फेंका गया है। लेकिन उस इशू को ना अधिवेशन में कोई बोलता है, ना उसमें आंदोलन चल रहा है, उसका पोस्टमार्टम के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। तो लाडली बहन जो है यहाँ पर मर रही है, दलितों की बहन यहाँ पर मर रही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ योजना की नौटंकी चल रही है। मैं इस माध्यम से ऐलान करता हूँ इस अर्थ मंत्री को कि ये लाडली बहन आपको भाई समझकर 1500 रुपए देंगी, लेकिन उसका शिक्षा मुफ्त करो। उसको आज MBA होने वाली बहन देख रहा हूँ, इंजीनियर होने वाली बहन देख रहा हूँ, ये मॉल में कपड़े बेचने का काम करते हैं, कंपनी के गेट पर रोज जाके खड़े रह के काम मांगती है, उसको काम नहीं दिया जाता, उसके ऊपर हो रहे अत्याचार रोके नहीं जाते, उसको शिक्षा नहीं दी जाती और लाडली बहन की बात करते हैं। तो ये सब भंपकबाजी है, जुमलेबाजी है और एक कॉपी पेस्ट की अर्थ बजट है। दीपक केदार जी, आज महाराष्ट्र में जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं ओबीसी वर्सेस मराठा, अब लक्ष्मण हाके वर्सेस जरांगे पाटिल, और ये आगे जाके उग्र तरीके से दो कम्युनिटीज में झगड़ा के, समाज में झगड़ा का विषय है। पत्थर फेंक हमने देखा, बहुत सारे जगह पे मारपीट हमने देखे। तो क्या ये भुजबल जी है, भुजबल साहब है, उन पे आरोप लग रहे हैं कि वो पथराव करा रहे। तो ये आगे जाके आप कैसे देखते हो ओबीसी वर्सेस मराठा, ये उग्र रूप धारण करने वाले ऐसा लग रहा है? दीपक केदार जी, आप जमीन से हर चीज पॉलिटिक्स देख चुके हो, हर जिले हर तालुका में आप जाते हो, दौरा लगाते हो, कैसे देखते हो ओबीसी वर्सेस मराठा? क्या स्टेट है पूरे देश महाराष्ट्र में? नहीं, यहाँ पर अभी चुनाव में जो लोग हार गए हैं उनको गुस्सा आया है और उन्होंने सबने मिलकर लक्ष्मण हाके को आंदोलन को बिठाया है। जालना में अगर आप देखें तो जहां पर लक्ष्मण हाके ने आंदोलन शुरू किया है वहां पर उनका काम ही नहीं है ना। जिस अंतरवली सराठी में अगर मनोज जारांगे आंदोलन कर रहे, उसको रीजन ये है कि उसका टू साइड है। अगर लक्ष्मण हाके को सही में आंदोलन चलाना चाहिए तो उन्होंने माड़ा में, इधर सोलापुर में करना चाहिए था, क्योंकि उनका काम उस साइड है। वो जालना में क्यों आंदोलन कर रहे हैं? तो जालना और बीड़ और मराठवाड़ा में कुछ लोग बीजेपी के मराठा आरक्षण के माध्यम से गिर चुके हैं और यहाँ पर बीजेपी डर गई है कि अगर इस आंदोलन को हमने क्रैक नहीं किया तो आने वाले विधानसभा में भी यही हमारी हालत होगी। आप देख रहे होंगे कि आज पंकजा ताई मुंडे को विधान परिषद का यहाँ पर चांस मिला है और मिनिस्टर भी होने वाले हैं। असलियत ये है कि पंकजा मुंडे जो गोपीनाथ जी मुंडे की बेटी है, गोपीनाथ जी मुंडे के आगे लोक नेता लगता है, पंकजा मुंडे के आगे भी लोक नेता लगता था, लेकिन एक विधान परिषद के लिए उनको लक्ष्मण हाके को सपोर्ट करने के लिए बोला और वो जाके वहां पर सपोर्ट करके आए और उनको विधानसभा विधान परिषद का टिकट यहाँ पर मिल गया। लक्ष्मण हाके और मनोज जारांगे का आंदोलन इस राज्य को दंगा भड़का सकता है, ये मालूम होके भी लक्ष्मण हाके के आंदोलन को रोका नहीं गया है। हाके के आंदोलन को यहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, यही ग्राउंड रिपोर्ट है। अगर मातुरी नाम का जो मनोज जारांगे का गांव है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू क्रिएट हो चुका है, दंगे के महाराष्ट्र दंगे के आगे खड़ा हो चुका है, फिर भी मनोज जारांगे के गांव में लक्ष्मण हाके की रैली कैसे जाती है और वहां पर पथराव होता है, डीजे बजता है, वो मनोज जारांगे के खिलाफ कुछ नारे लगाए जाते हैं, तो इसके पीछे गवर्नमेंट है। मनोज जारांगे के आंदोलन के वक्त यहाँ के मराठा समाज के महिलाओं को बुरी तरह से पीटा गया, गोलियां चलाई, वहां पर बहुत बड़ा हंगामा किया। लक्ष्मण हाके के आंदोलन के वक्त क्यों कुछ हुआ नहीं? तो ये बीजेपी का और आरएसएस का आंदोलन है और ओबीसी तो जो है उनके ट्रैप में अटक चुके हैं। हमारा दीपक केदार जी, कहने का मतलब ये हुआ कि जरंगे पाटिल साहब को जो वादे किए गए थे मराठा आरक्षण को लेकर के, वो एक तरफ तो वो कहते हैं कि हमने वादा पूरा किया और दूसरी तरफ पीछे से किसी और को खड़ा करके, लक्ष्मण हाके जी भी कई बार इस शो में आ चुके हैं और वो ओबीसी समाज के लिए, बीजेपी समाज के लिए बहुत लड़ रहे हैं, ऐसा उनका कहना, उनका मानना। मैं उम्मीद करता हूँ वो ठीक ही बोल रहे होंगे क्योंकि उनकी एजिटेशन वगैरह हमने देखी भी है। तो आपके मुताबिक एक तरफ जरंगे पाटिल को कह दिया कि भाई हमने तेरा काम कर दिया, आपका काम कर दिया, देखिए मराठा आरक्षण हो गया, और दूसरी तरफ लक्ष्मण हाके को खड़ा कर दिया ओबीसी समाज को एकत्रित करने के लिए, और उनके साथ में छगन भुजबल साहब भी हैं। दीपक केदार जी, यही हो रहा है। सीधा ओबीसी को इकट्ठा करने का एजेंडा बीजेपी का है और ओबीसी के साइड से बीजेपी खड़ी हो चुकी है। ये सब लोग जो मिलने गए प्रोटेस्ट को, वो सब बीजेपी के बड़े नेता है और मनोज जारांगे को जो मिलने जाते हैं वो एकनाथ शिंदे गुट के नेता मिलने जाते हैं। तो ये सब गवर्नमेंट मिलकर दोनों को भी यहाँ पर चला रही है, क्योंकि बीजेपी को ओबीसी की वोटिंग चाहिए और यहाँ पर मराठा वोट उनके पीछे से हट चुका है। तो आपने जो बोला ये सही है कि वो नौटंकी कर रहे, जारांगे को भी फंसा रहे और यहाँ के लक्ष्मण हाके को भी फंसा रहे। लक्ष्मण हाके के माध्यम से महाराष्ट्र में विघटन बढ़ा रहे, दंगा भड़काना चाहते हैं। मैं भीड़ में गया था, वहां पर प्रेस भी लिया है, हमने ऐलान किया है कि देखिए मणिपुर के जैसा अगर यहाँ पर करने का किसी का साजिश है तो वो आरएसएस का साजिश हो सकता है। तो उनसे हमने संभाल के रहना चाहिए और ये आंदोलन को अगर आपको विरोध करना है तो उसके अलग तरीके हैं। अगर आप जाके मनोज जारांगे के गांव में जाएंगे, उसके गांव के बाजू में प्रोटेस्ट करेंगे, तो आपका दंगा का इरादा खुलेआम दिख रहा है। मनोज जारांगे का गांव है इसलिए वहां पर वो आंदोलन कर रहा है। आप क्यों वहां पर आंदोलन कर रहे हैं? आपके आंदोलन को बीजेपी के लोग ही क्यों आके मिल रहे? तो लोग भी यहाँ पर अभी उल्लू नहीं है, सब कॉपी पेस्ट चल रहा है। जारांगे जैसे ही आंदोलन करके बेड पे जाके सोता है, वैसे ही लक्ष्मण हाके बेड पे जाके सोते हैं। तो ये क्या चल रहा है? एक आंदोलन चल रहा है कि इवेंट चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इस इवेंट के वजह से आज महाराष्ट्र डिस्टर्ब हो चुका है। जाति जाति में झगड़े लग रहे, गाँव गाँव में झगड़े लग रहे, बहिष्कार की स्थिति खड़ी हो चुकी है। गाँव में ओबीसी और मराठा यहाँ पर भेदभाव हो रहा है, वो बढ़ रहा है। लेकिन इसके बीच में मुझे जो लग रहा है दीपक केदार साहब, दंगा भड़काने का काम शुरू किया है। दीपक केदार साहब, ये ओबीसी वर्सेस मराठा के बीच में मुझको ऐसा लग रहा है कि जो दलित समुदाय है उसको नजरअंदाज किया गया है। उनके लिए आज कुछ नहीं है, उनके ऊपर अभी फोकस तक नहीं है, कोई बात भी नहीं कर रहा है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? अगर मैं ठीक नहीं बोल रहा हूँ तो सुधार करें प्लीज, बताएं। नहीं, सही ये बिल्कुल सही है, आपका एनालिसिस सही है कि दलितों को और आदिवासियों को दरकिनार किया है। मुस्लिम आरक्षण जो हाईकोर्ट ने दिया है, वहां पर मुस्लिम आरक्षण की तो बात भी नहीं कर रहे। तो ये जानबूझकर दलित, मुस्लिम और आदिवासियों को आप बाजू दरकिनार किया है और उनको कुछ इनसे मायने नहीं है। क्योंकि वो महाराष्ट्र में कम संख्या में रहता है, दलित कम संख्या में है, तो ऐसा लगता है कि वोटिंग के लिए सब चलता है और वो जिसका वोटिंग चाहिए उसके लिए योजना निकाल रहे। तो आपको क्या लगता है इसका होगा क्या आगे सर? ये लक्ष्मण हाके वर्सेस जरंगे पाटिल, ये क्या होने वाला है आगे चल करके, क्या होगा सर? ये कुछ नहीं होने वाला। उल्लू बनाइंग नाम का, जो मैं हर बार बोलता हूँ, आइडिया का एक जाहिरात अभिषेक बच्चन चला रहा था तो उनके साथ भी उल्लू बनाइंग होगा, कुछ नहीं होगा। अगर ये फिर कोर्ट में भी इनके वकील आते हैं, जो आरक्षण दिया है उसको रद्द करते हैं, बैठे सब ट्रैप करके बिठाए हैं, लेकिन लोग यहाँ पर उल्लू बन रहे, ये बहुत गलत बात है। लोगों में जो दरार पैदा की जा रही है वो कभी भर के नहीं आएगी। इनका जो टाइम पास चल रहा है राजनीति के लिए, सत्ता के लिए जो प्रयोग कर रहे, वो प्रयोग लोगों के लिए बहुत हानिकारक होगा। महाराष्ट्र के सोशल यहाँ के जमीन पर बहुत गलत होने जा रहा है और वो बहुत धोखादायक है, खतरा है। केदार जी, अभी राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में आप देखोगे दोनों बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान का कसम दोनों खा रहे हैं। मोदी जी पार्लियामेंट जाने से पहले संविधान के सामने माथा टेकता है, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी संविधान का कॉपी हाथ में डाल के हमेशा, कांग्रेस के हर एमपी, इंडिया लाइंस के हर एमपी संविधान का छोटा किताब अपने हाथ में लेकर घूमता रहता है और सब जगह वो दिखाते हैं, पार्लियामेंट में वो भी दिखाते हैं। तो क्या कौन से राष्ट्र, जो रूलिंग पार्टी है वो भी संविधान को लेकर चल रहा है, ऑपोजिशन भी संविधान को लेकर चल रहा है, तो गलत कौन है, सही कौन है? क्या आप बाबा साहेब के फॉलोअर है, आप कैसे देखते हो उसको? नहीं, यहाँ पर बीजेपी का जो नारा चल रहा था 400 पार होंगे तो संविधान बदलेंगे, उस नारे के वजह से लोगों ने बीजेपी को बाजू किया है। आज जो स्थिति है बीजेपी की वो उसी नारे के वजह से, घोषणा के वजह से है। तो ये जो मैंडेट मिला है ये इंडिया को, वो संविधान बचाने के लिए ही मिला है। हम मान सकते हैं कि इंडिया संविधान लेगा, कोई बात नहीं, लेकिन बीजेपी संविधान ले रही है और उसको नतमस्तक हो रहे नरेंद्र मोदी, तो ये बदलाव है और वो ये हमारे आंदोलन का विजय है। इनके दोनों के भी आंदोलन में संविधान बचाने का कोई भी नारा नहीं था, लेकिन आज यहाँ पर हमें दिख रहा है कि दोनों भी संविधान बचाओ बोल रहे हैं, तो ये कुछ अच्छी बात है और दोनों भी संविधानवादी हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ वहां पर अधिवेशन में एक बात हमको देखने को मिली है कि एक सांसद ने शपथ लेते वक्त जय हिंदू राष्ट्र कहा है, उसके खिलाफ दोनों भी पार्टियां कुछ नहीं बोल रही है। संविधान में शपथ लेते वक्त किसी धर्म के राष्ट्र की बात करना, ये संविधानवादी स्टेटमेंट नहीं है। तो ये अभी आगे देखते हैं संविधान बचाने के लिए दोनों भी क्या करते हैं। लेकिन एक बात है कि बीजेपी अभी कभी भी आने वाले 50 साल में संविधान हटाने की बात नहीं करेगी, क्योंकि उनको झटका मिला है। तो जहां तक महाराष्ट्र का प्रश्न है, क्योंकि अक्टूबर में चुनाव आने वाले हैं सर, असेंबली के चुनाव जो हैं अक्टूबर के आसपास होंगे। अभी जो सरकार है, महायुति की जो सरकार है, उसको ये लग रहा है कि इस बजट के बाद वो भी, जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत गई, वैसे महाराष्ट्र में भी ये लोग जीत जाएंगे। क्या ऐसा होने वाला है? नहीं नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है। यहाँ पर महायुति जो लोकसभा में हुआ है वही विधानसभा में होने वाला है। कॉपी पेस्ट कितना भी किया, देखिए अभी तो मुंबई में आज होर्डिंग लगा है, एकनाथ शिंदे को बुलडोजर बाबा कहा है जी, तो ये यूपी की कॉपी हो गई। लाडली बहन, ये सब योजना मध्य प्रदेश की कॉपी हुई। ये नहीं होने वाला है। विधानसभा में भी ये लोग खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर ग्राउंड पर इनके खिलाफ बहुत बड़ा रोष है। जातियों में झगड़े लगाना, आरक्षण के झूठे झगड़े लगाना, बेरोजगारी, यहाँ के एजुकेशन का मसला है, यहाँ के स्कॉलरशिप का मसला है, यहाँ के किसानों का मसला है, मजदूरों का मसला है, यहाँ के दलितों के अत्याचार का मामला है, मुस्लिमों के अत्याचार का मामला है। तो ये सब सारी जो चीजें हैं वो ग्राउंड पे बहुत बड़े पैमाने पर इनके खिलाफ जाने वाली है। और जैसे देखिए कोई भी आंदोलन हो तो उसका जो है मजाक बनाने का काम इन्होंने किया है, तो उस आंदोलन का फटका भी आने वाले विधानसभा में इनको बैठने वाला है। जो लोकसभा में हुआ है वही विधानसभा में होगा। महायुति फिर से कितने भी जुमलेबाजी की, कितने भी घोषणाएं लाई, आपके पास सत्ता ही रहने वाली नहीं, तो आपको घोषणा करने में क्या जा रहा है? फिर आने वाले 2-3 महीने में आचार संहिता लगेगी। आप आए हो और सपने में जो दिखते हो योजनाएं बकते जा रहे हो, तो वो लोगों के समझ में आता है ना, ऐसा थोड़ी है कि लोगों के समझ में नहीं आता। शरद पवार जी ने कहा कि हम छोटे छोटे पार्टियों को साथ में लेके उनको न्याय देंगे। बोले शरद पवार जी बोले कि एमवीए का परम कर्तव्य है कि छोटे छोटे पार्टियों को हमारे साथ लेकर हमारे साथ उनको पोजीशन दे, विधानसभा में उनको टिकट दे। तो आगे जाके शरद पवार जी का ये जो बोलना आप कैसे देखते हो? क्या छोटे छोटे जितने पार्टीज है वो सब शरद पवार जी के साथ जुड़ जाएंगे और उनको न्याय मिलेगा? बिकॉज शरद पवार जी कहना है इनको न्याय देना, उनको विधानसभा का सीट देना हमारा परम कर्तव्य है। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं शरद पवार जी का? देखिए, संविधान बचाने के लिए हमने महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट किया है, वहां पर एनसीपी को भी सपोर्ट किया। मैंने बीड़ में और नगर में, अहमदनगर में 2 जगह ज्यादा प्रचार किया, कुछ 4 सभाएं ली। 2 सभाओं में शरद पवार जी के साथ मैं खुद था, तो वहाँ के दोनों कैंडिडेट चुन के आए हैं। महाराष्ट्र में हमारे जाने से सोच है जी। उनकी जो सोच है वो अच्छी सोच है कि छोटे गुट को और पार्टी को साथ में लेके उनको चांस देना चाहिए। हम भी उम्मीद करते हैं कि बदलाव की राजनीति होना बहुत जरूरी है, युवाओं को आगे लाने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। और महाविकास आघाड़ी की जो आज स्थिति मजबूत हुई है, उन्होंने छोटे छोटे संगठन पार्टियों को साथ में लिया, इसीलिए उनकी स्थिति आज मजबूत हो चुकी है। वो विधानसभा में अगर इस छोटे छोटे गुट के नेताओं को साथ में लेके उनको अगर विधानसभा में भेजते हैं, तो सही मायने में आने वाले समय में जो ब्लैकमेलिंग का यहाँ पर फंडा चलता है, ईडी का, इसका उसका, तो वो होने वाला नहीं। जो पुराने लोग हैं उनको ही आगे बढ़ाएंगे तो ईडी के ब्लैकमेलिंग में वो आ जाएंगे, और जो नए लोग अगर आगे आए तो वो भ्रष्टाचार और जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, वो महाराष्ट्र में एक नई राजनीति की शुरुआत होगी। तो शरद पवार जी के इस जो एजेंडा है, छोटे पार्टियों को साथ में लेने का, संगठन को साथ में लेने का, उनके लोगों को चांस देने का, वो अच्छा है, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। हम भी उस दिशा से मांग करने के लिए हम भी जाएंगे। जबरदस्त। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके मुताबिक, आपके विश्लेषण के मुताबिक, अगर एमबीए जैसे अभी तक चली है, यानी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जैसे अभी तक चली है, महाविकास आघाड़ी जैसे अभी तक चली है, अगर वैसे ही चले, सबको साथ लेकर के, सबको समझते हुए, सबका सम्मान करते हुए, तो हो सकता है अक्टूबर में जो लोकसभा का चुनाव है वो तकरीबन रिपीट हो असेंबली में। नहीं, बराबर, एकदम सही सोच है आपकी। आपका जो यहाँ पर विचार है वही होने वाला है, और कुछ बदलाव जो है होने वाला नहीं लोगों में ज्यादा। ये जैसे जुमलेबाजी से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जो अभी लोकसभा में हुआ है वही विधानसभा में होगा, लेकिन छोटे छोटे पार्टी और संगठन सब जी। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ, दीपक केदार साहब, शरद पवार जी ने कहा कि एमबीए को 155 सीट पक्का आएंगी असेंबली में, ऐसा कहा है। ठीक है, वो पॉजिटिव सोच है, आने वाले समय में देखेंगे। आंकड़ा तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन गवर्नमेंट महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की अगर नहीं ये फूटते तो बैठने वाली है। फैंटास्टिक। दीपक केदार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना विश्लेषण देने के लिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच। So this is a new one. I didn't realize that people would actually think that Lakshman Hake would actually be supported by the BJP. I didn't see that coming. Did you see that coming? I didn't. No, you know, he was out of the blue. You find that one day Lakshman Hake is sitting on fast. Yes, and he's a dear friend of yours and ours, and sitting on a fast, but he's the person who's capable of taking the fast to its last logical conclusion. He has got the stamina, he has got the willpower, he has got the determination, and you can call temperament to undertake these fasts. I don't think many OBC leaders are in this position where they can do it, what Manoj Jarange Patil has done for Marathas. And I think after Lakshman Hake has come into the OBC fold, और जो उन्होंने अपना temperament दिखाया कि I can also fast, तो you know it's brought a balance in the entire Maharashtra politics. आप देखोगे because OBC population has been rallying around him. और Lakshman Hake, like Jarange Patil, Manoj Jarange Patil has been continuously going towards and rallies ले रहे हैं. हर एरिया, हर तालुका, हर जिला में वो घूम रहे हैं और वहाँ ओबीसी उनको सत्कार कर रहे हैं, ओबीसी समाज के लोग सामने आके उनको, तो ही इज मोबिलाइजिंग सपोर्ट लाइक नो अदर ओबीसी लीडर. छगन भुजबल जी इज अ मास लीडर, नो डाउट अबाउट इट, बट लक्ष्मण हाके नो, ये फास्टिंग वगैरह छगन भुजबल जी की डायरेक्टरी में नहीं था, उनके वो डिसिप्लिन में नहीं है कि हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे या ये नहीं करेंगे. लक्ष्मण हाके हैज brought that dimension within the OBC समाज. और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि he is not being looked at, उनको सिर्फ एक दांगड़ लीडर की तरह नहीं देखा जा रहा, उनको ओबीसी लीडर की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि हम वो दांगड़ समाज से, तो लेकिन उनको देखा जा रहा है पूरे ओबीसी समुदाय के का नेतृत्व करते हुए. और अगर ये फास्ट चलता रहा और यहाँ पर इनको कुछ सफलता मिल गई, तो ये ओबीसी लीडर्स में प्रदीप जी तकरीबन सबसे बड़े लीडर बन के उभरेंगे. हो सकता है कि भुजबल साहब को भी इनकी तरफ देखना पड़ेगा, मुझको ऐसा लग रहा है, क्योंकि दैट पोजीशन इज वेकेंट ऑफ अ जेन्युइन ओबीसी लीडर. क्योंकि भुजबल साहब का भी जो उनका सपोर्ट बेस है दैट इज फ्रॉम द माली समाज सबसे ज़्यादा, और जो उनकी खुद की भी जो समता परिषद है वगैरह वगैरह, उस पर उन्होंने बहुत कोशिश करी है बहुत लोगों को लाने के लिए. लेकिन जिस प्रकार लक्ष्मण हाके को अभी सपोर्ट मिल रहा है, ये भुजबल साहब को भी नहीं मिला पहले, साहब आज तक कभी नहीं मिला इतना. प्रदीप जी टोटली, नो लुक एट हिम, व्हेन यू लुक एट हिम ही नोज, ही इज टोटली डिटरमाइंड, ही इज टोटली डिमांड, एक गांधीयन टाइप है सर, उनके चेहरे पे एक लुक है और वो उनके जो विश्वास है, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी टू गेट जस्टिस, हिज एबिलिटी टू अंडरटेक एनीथिंग, जो सत्याग्रह इन ट्रू सेंस में महात्मा गांधी सेज, ही हैज गॉट द एबिलिटी, he has got the ability to match Manoj Jarange Patil where fasting is concerned, you know, bhook hartal, hunger, to uposhan jo bhi kehte hain. I don't think many OBC leaders have in the past decade has done what Lakshman Hake has done. Aur कानून के बड़े जानकार हैं साहब, बिल्कुल बड़ी बात ये जो आरक्षण का कानून है उसके बड़े जानकार हैं टोटली. जैसा वो बता रहे हैं कि मराठा आरक्षण कानूनन गलत, मराठा समुदाय को आरक्षण मिल ही नहीं सकता, ऐसा इनका कहना है और पहले दिन से ऐसा बोल रहे हैं. He's a professor by profession. Yes. And he was part of that reservation committee or whatever it was. बिल्कुल बिल्कुल. तो उनको तो मालूम है एक एक चीज कानून में, कहता कानून में बैठता ही नहीं, या तो आप आरक्षण किसको मिल सकता है उसकी परिभाषा बदलें, और परिभाषा सिर्फ और सिर्फ सेंटर में बदली जा सकती है, वरना मराठा आरक्षण आरक्षण की परिभाषा में बैठता नहीं है, क्योंकि इट सामाजिक तौर पर प्रदीप भाई बिल्कुल सामाजिक तौर पर प्रदीप जी मराठा पिछड़ा हुआ कैसे है, आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ हो सकता है, जरूर है, आई एग्री, देयर कैन बी इकोनॉमिक डिप्रिवेशन, बट हाउ आर दी मराठास सोशली डिप्राइव्ड. नाउ यू विल गेट टू सेट ऑफ आंसर्स फ्रॉम टू ग्रुप्स. नाउ if you see leaders like Mr. Sudhir Dhonde from the Congress, he will justify to the core that all Marathas are Kunbis and they should be given that particular reservation. If you ask Lakshman Hake ji, he has a different approach to that. No, but as far as Lakshman Hake is concerned, legally he is absolutely on the button. Mr. Lakshman Hake, and we are talking by the way about Lakshman Hake. The gentleman that you saw on your screen up till now was Mr. Jarange Patil. लक्ष्मण हाके जी जो बोल रहे हैं, और अगर आप रिजर्वेशन की अगर आप डेफिनेशन देखें कि किसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, दोज पीपल हु हैव बीन सोशली ऑस्ट्रसाइज्ड, जिनके साथ सामाजिक तौर पर अन्याय हुआ है प्रदीप जी. क्योंकि देखिए साहब, ब्राह्मण भी जो है, ब्राह्मण भी बेचारा निर्धन हो सकता है, गरीब ब्राह्मण, ये तो सबसे बड़ी इमेज ब्राह्मण की क्या है, वो तो निर्धन है बेचारा, तो उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए. अगर सिर्फ पॉवर्टी इज दी ओनली क्राइटेरिया फॉर रिजर्वेशन, द मराठास पर से ओवर द इयर्स, द मराठास पर से ओवर द इयर्स हैव बिकम इकोनॉमिकली बैकवर्ड, But they have not become socially backward. There are Kunbis as Chagan Bhujbal, or if you say Sudhir Dhonde, if you talk this kind of these leaders, they will tell you that all Kunbis are Marathas and Kunbis are in the OBC list. And Bhujbal ji has strong objection. He said all Kunbis cannot be Marathas. No, all Marathas cannot be Kunbis. That's right. All Marathas cannot be Kunbis. No, if you give all the Marathas Kunbi certificates, then it's unfair, injustice to the OBC community. लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ है, वही डॉक्टर ढोने ने यहीं पर आकर के जो कहा, हमारे कांग्रेस के जो मित्र हैं हमारे अकोला से, उन्होंने क्या कहा कि विदर्भ और मराठवाड़ा में मराठा और कुनबी के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता है, लेकिन सिर्फ विदर्भ और मराठवाड़ा में, खानदेश और पश्चिम महाराष्ट्र में नहीं है। सीधी साधी बात है। तो यहाँ पर बहुत इसके अंदर भी सर देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स ओवर हियर। सो द पॉइंट इज हाउ विल यू गिव रिजर्वेशन टू द मराठास विदाउट डिस्टर्बिंग द ओबीसी रिजर्वेशन व्हिच इज ऑलरेडी देयर। 27% ओबीसी रिजर्वेशन है अकॉर्डिंग टू मंडल, उसको डिस्टर्ब किए बगैर आप मराठा रिजर्वेशन कैसे दे सकते हैं? एंड मनोज जरांगे पाटिल जी का कहना है हमको ओबीसी रिजर्वेशन में अंदर ही रिजर्वेशन चाहिए और वो हासिल करके ही रहेंगे। How will they do that? They can't do that. He says justified. He says I am justified. We are justified. Just मराठों को ओबीसी सर्टिफिकेट लेना है, कुनबी सर्टिफिकेट तो वो ले, जिसको नहीं लेना है मराठाओं को वो ना ले, बट सरसकट यानी सबको मिलना चाहिए, जितने मराठा है सबको कुनबी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए एंड कुनबीज आर ओबीसीज। That's what Mr. Jarange Patil says. Bilkul. To which Mr. Lakshman Hake objects. Yes, he objects. And at the moment, Lakshman Hake is sitting on a hunger strike. And Bhujbal ji also objects. And he's been sitting on a hunger strike for a long, long time. And he's managed to rally the OBC community with him. That's right. He has emerged as a good OBC leader. Fantastic.